बात, ये तो एक नमूना है, अभी झांकी है, ये तो आगे अभी बहुत कुछ बाकी है, इसमें बहुत कुछ हुआ है, इसको उखाड़ा जाएगा और उन पर एक नहीं दस से ज्यादा केस होगा, मेरे पास सारा रिपोर्ट है। माहौल है मनोज सिंह के जीत के बाद, तमाम समर्थक जो हैं सीधे देख सकते हैं कि मनोज सिंह को बधाई देने के लिए लोगों का कांटा लगा हुआ है, खुशी का एक माहौल है। सीधे बात करें तो आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई लोग मान रहे थे और सीधे ये बीजेपी की जीत है, तमाम लोग खुशी का माहौल। देखिए घोटाले का असर रहा, जिसने घोटाला किया वो वोट देने नहीं आया, इससे बड़ा होता घोटाला क्या हो सकता है? प्रमाण क्या चाहिए? जिसने घोटाला किया वो वोट देने नहीं आया, उनके खिलाफ नहीं, मैं व्यवस्था के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा था कि 105 साल पुराना जो हमारा बैंक है, सिवान का धरोहर है, उसको लूटने का काम इस 5 साल में किया गया रामायण चौधरी के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? खत्म करने की बात आप कह रहे थे, बैंक हो चुका है, अभी स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा, महालेखाकार को चिट्ठी लिखेंगे, स्पेशल ऑडिट कराएंगे, उसके बाद उनसे आइए, उसके बाद जो होना होगा। जी बाबा गोल तो समर्थक में है, खुशी का माहौल है, जीत के बाद खुशी का माहौल है, देख सकते हैं लगातार उनके समर्थक, उनके चाहने वाले सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। शाम धीरे धीरे जेपी चौक पे जा रहे हैं, माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ उनके समर्थक हैं, खुशी का माहौल एक है, और सीधे सीधे देख सकते हैं तमाम जो समर्थक हैं ऊपर उठा के दिखा चाहेंगे कि समर्थक हैं, लगातार पूरे हुए हैं और खुशी का माहौल है यहाँ पे, तमाम समर्थक कार्यकर्ता। आपने कहा था कि जो जो गलत है उसको हरा के दिखा, गलत है तो हार गया भैया, नमस्कार भैया। खुशी का माहौल है एक तरह से, मान जाए तो बीजेपी की जीत मान रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए कोऑपरेटिव किसी पार्टी के दायरे में नहीं है, मानते हैं इसको, आप सबकी जीत, सबकी जीत है, सब प्रकृति सीधे देख सकते हैं, तमाम विधायक हैं, अध्यक्षों ने यह विश्वास दिलाया है कि मनोज सिंह में वह क्षमता है कि बैंक को बचाया जा सके और किसानों का कल्याण तभी होगा जब बैंक बचा रहेगा। तो देख सकते हैं भाजपा प्रतिदिन चुनाव लड़ती है और हम हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लड़ते हैं, जैसे वह संसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या एक वार्ड का चुनाव हो। जीत के बाद कोऑपरेटिव बैंक में पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक में समर्थक जो काफी खुश हैं। कॉर्पोरेटिव बैंक के शुभकामना दे रहे हैं, तमाम जो कॉर्पोरेटिव बैंक से जुड़े लोग हैं वो शुभकामना दे रहे हैं। हमारे सामने देख सकते हैं कि कॉर्पोरेटिव बैंक के जो भी लोग हैं खुश
बैंक के जो भी जो पुराने लोग काफी खुश हैं आपके जीत के बाद, उनको बधाई देना चाहेंगे? बिल्कुल, उनको भी बधाई देते हैं और खुशी के कारण उनसे पूछिए क्या कारण है। खुशी का कारण जो है उनसे हम पूछेंगे, तमाम जो बैंक के जुड़े लोग हैं सभी लोग से पूछेंगे। सरपंच, ये नियम है, प्राकृत का नियम है, हार के बाद जीत है, दिन के बाद रात है, इसलिए इसको कोई लेकिन महत्वपूर्ण है। एक अहम सवाल है, पिछले 3-4 चुनाव जो है आप पूछ कर गए थे, चाहे विधायक का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे कॉपरेटिव का हो, तमाम तरह के लोग कह रहे थे कि उनकी राजनीति में तो है, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में जीत हुई तो क्या माना जाए राजनीति में या एक मजबूत कमबैक वापसी? देखिए, कॉपरेटिव मेरा जमीन है और इस जमीन से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, इसी से हम आगे बढ़े हैं। कॉपरेटिव का राजनीति का शुरुआत हम इसी कॉपरेटिव से किए हैं। और रही बात हार और जीत का, तो बहुत लंबे अरसे से खुशी नहीं मिली थी, ये सच्चाई है। मैं बहुत चुनाव हारा हूँ, बहुत सारा कारण है, लेकिन ऊपर वाले जब चाहेंगे तब होगा। ये तो क्या माना जाए आपकी राजनीतिक में मजबूती से कमबैक वापसी हो चुकी है? मैं राजनीति छोड़ा कहाँ हूँ, मैं लगातार हारने के बाद भी मैं मार्केट में हूँ, आप सबके बीच में हूँ। काफी वर्षों के बाद जीतने, तो अब माना जाए कि अब आगे वाले लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव? नहीं नहीं, जिस लायक हम लोग होंगे आगे का चुनाव निर्णय करेंगे। अभी लोकसभा का कोई बात नहीं, हम विधानसभा हारे हुए हैं 25 में है, इसलिए अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलेंगे। पहले ने जब उनका अग्रिम जमानत रद्द किया तो स्वयं कैंडिडेट अपना वोट देने नहीं आया, इससे बड़ा पुख्ता सबूत क्या हो सकता है? आपके द्वारा क्या एक्शन लिया? मेरे द्वारा कुछ नहीं किया, मेरे द्वारा उनकी कमियों को उजागर किया गया। उसके बाद प्रशासन ने प्रधान सचिव सहकारिता रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पटना, क्या आप चेयरमैन बने? नहीं नहीं, अभी बने हुए, रुके रुके एक्शन हम बता रहे हैं। उसके बाद अमित कुमार पांडे जी जो जिला पदाधिकारी थे, उन जो प्रशासक भी थे, उनके द्वारा उन पर FIR कराया गया। अब रही बात, ये तो एक नमूना है, अभी झांकी है, ये तो आगे अभी बहुत कुछ बाकी है, इसमें बहुत कुछ हुआ है, इसको उखाड़ा जाएगा और उन पर एक नहीं दस से ज़्यादा केस होगा। मेरे पास सारा रिपोर्ट है।